और हरिद्वार में दशहरा पर्व के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां दीप गंगा के ओपन थिएटर में भव्य गरबा डांडिया कार्यक्रम में बच्चों और लोगों ने अपनी प्रस्तुतियां दी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रानीपुर विधायक आदेश चौहान शामिल हुए। उन्होंने कहा, अब देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। विधायक चौहान ने कहा कि रामनवमी दशहरा इस अवसर पर काफी लोग घरों से बाहर निकले हैं, दीपावली भी आने वाला त्योहार है और इसे बड़े हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जाएगा। हरिद्वार से नरेश पंवर की रिपोर्ट। भव्य और दिव्य होता है, एक बार दीप गंगा से भी ज्यादा। परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इन ऑर्गेनाइजर को बधाई देता हूँ जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आज नवमी के दिन डांडिया का यहाँ रखा है, दुर्गा पूजा का रखा है। और यहाँ सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि सब लोग ये जो परफॉर्म करने वाले हैं वो सब यहीं के लोग हैं, वो तो कोई प्रोफेशनल नहीं है। बहुत बड़ी बात है दीप गंगा की कि सब लोग मेहनत करते हैं, यहाँ की चाहे हमारी मातृशक्ति हो, यहाँ के बच्चे हो, चाहे हमारे युवा हो, और एक फैमिली एटमोसफियर जो यहाँ दीप गंगा में देखने को मिलता है। नहीं, हर बार इतनी ही गैदरिंग होती है और इससे ज्यादा भी गैदरिंग होती है, ऐसी बात नहीं है, पर इस बार का आयोजन थोड़ा भव्य तरीके से किया जा रहा है। हर बार जब प्रोग्राम होता है तो हम लोग कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो इस बार कुछ और नए तरीके से प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। उसके बाद 2 साल के बाद ये पहला प्रोग्राम हो रहा है जिसमें इतनी भीड़ देखने को मिल रही है, तो हम लोग सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। ये जितने लोग खड़े हैं सब हमारे मेंटर्स हैं, ये सब प्रोग्राम्स यहाँ पे तैयार करवाते हैं, बच्चों को डांसेस तैयार करवाते हैं, तो हम लोग सब लोग बहुत एक्साइटेड है इस चीज को लेकर।